दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस तथा लाइव मिंट में छपे लेख साइबर अटैक्स अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू डेमोक्रेसी मोदी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल साइबर स्पेस कॉन्फ्रेंस 2017। हाल ही में पांचवें वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन 2017 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। गौरतलब है कि यह सम्मेलन साइबर स्पेस से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था साइबर फॉर ऑल, अ सिक्योर एंड इंक्लूसिव साइबर स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सवाल उठता है कि वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन क्या है और इसके लक्ष्य क्या हैं? साइबर स्पेस तथा इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? इस लेख में हम इन प्रश्नों का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम भारत में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता तथा साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार के प्रयासों के साथ ही कुछ अन्य सुझावों की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन तथा इसके लक्ष्यों के बारे में। दरअसल वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन साइबर स्पेस से संबंधित एक वैश्विक सम्मेलन है। इस सम्मेलन के माध्यम से साइबर स्पेस के बेहतर प्रयोग के मुद्दों तथा इससे जुड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाता है। पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2011 में लंदन में हुआ। इसके बाद साल 2012, 2013 तथा 2015 में क्रमशः इस सम्मेलन का आयोजन बुडापेस्ट, सियोल तथा हेग में हुआ। इस सम्मेलन का रोचक पहलू यह है कि इसमें विभिन्न देशों के नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय राजनेता, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक तथा साइबर विशेषज्ञ आदि शामिल होते हैं। इस साल भी 100 से अधिक देशों के 2000 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। साल 2017 के सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य वैश्विक साइबर नीति में समावेशन तथा मानव अधिकारों के महत्व को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा और बचाव को मजबूती प्रदान करने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। अब जानते हैं कि साइबर स्पेस और साइबर अपराध क्या हैं। दरअसल साइबर स्पेस एक आभासी दुनिया है जिसका संबंध व्यक्ति या संस्थान द्वारा कंप्यूटर, इंटरनेट, तकनीकी उपकरण तथा सेलफोन आदि के प्रयोग से है। साइबर स्पेस डिजिटल होती दुनिया का एक आवश्यक अंग बन चुका है। इसके बिना हम भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। साइबर स्पेस के बढ़ते प्रयोग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था में जहां एक ओर मोबाइल बैंकिंग, भुगतान गेटवे, सॉफ्ट करेंसी आदि से तीव्र लेन देन संभव हुआ है, वहीं आउटसोर्सिंग जैसे रोजगार के नए विकल्प भी खुले हैं। इसी तरह हेल्थ केयर के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, मोबाइल क्लिनिक आदि तथा शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग, ई एजुकेशन जैसे आभासी कक्षाओं का विकास हुआ है। हालांकि साइबर स्पेस के साधनों के दुरुपयोग के कारण साइबर अपराध जैसी नवीन चुनौती भी सामने है। साइबर स्पेस के इन्हीं साधनों के प्रयोग से व्यक्ति, संस्थान या सरकारी कामकाजों को दुष्प्रभावित करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर अपराध ऐसे गैरकानूनी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य दोनों के रूप में किया जाता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता है। साइबर स्पेस के दुरुपयोग से वर्तमान विश्व के समक्ष विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। साइबर अपराध डिजिटल दुनिया की एक गंभीर समस्या है जिससे विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देश व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। साइबर अपराधों से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न तरह की चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। राजनीतिक क्षेत्र में साइबर स्पेस के बढ़ते प्रयोग से क्रिया प्रतिक्रिया में तेजी आई है। इस संदर्भ में अफवाहों द्वारा सोशल साइट्स पर उम्मीदवारों की छवि बनाने या बिगाड़ने तथा सोशल मीडिया पर दिए गए वक्तव्यों पर मानहानि के दावों में वृद्धि हुई है। साथ ही ऑनलाइन वोटिंग को हैक करने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। हाल ही के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में रूस द्वारा हैकिंग का प्रयोग कर मतदान को प्रभावित करने की संभावना जताई गई, जो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस संदर्भ में भारत की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जितनी अधिक पार्टियां हैं उतने ही विचारात्मक मतभेद भी। साइबर स्पेस के दुरुपयोग से अब पार्टियां विरोधी दलों तथा उम्मीदवारों के खिलाफ अवांछित ईमेल, हैकिंग तथा मानहानि के दावे आदि को बढ़ावा दे रही हैं।
यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो विश्व अर्थव्यवस्था अब इंटरनेट पर आधारित हो चुकी है। इस निर्भरता के कारण एक साइबर अटैक द्वारा व्यापक हानि पहुंचाई जा सकती है। हाल ही में ऐसे ही साइबर अटैक रैंसमवेयर वानाक्राई द्वारा व्यापक स्तर पर विश्व अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाई गई। इसी प्रकार अन्य घटनाएं जैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा हासिल करना, सॉफ्टवेयर पायरेसी, वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी, कंप्यूटर डेटा को चुराना तथा पुनः सही करने के लिए फिरौती की मांग करना आदि में भी वृद्धि हुई है। सामाजिक क्षेत्र भी साइबर अपराध से अछूता नहीं है। आज विभिन्न सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के प्रयोग द्वारा लोगों को धमकी भरे संदेश भेजना, झूठे भ्रामक पोस्ट करना, उनकी गोपनीय सूचनाओं को उजागर करना आदि घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। महिलाओं को अश्लील तस्वीरें भेजना और उन्हें परेशान करना तथा शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ मनोरंजन जैसे ब्लू व्हेल गेम आदि का प्रचलन भी बढ़ा है। साथ ही सोशल साइट्स द्वारा अफवाहों को फैलाकर सांप्रदायिक दंगे तथा मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा किसी की हत्या जैसी आपराधिक गतिविधियां सामने आई हैं। इसी तरह साइबर अपराधों से देशों की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं। रक्षा अवसंरचना, यातायात, दूरसंचार और प्रमुख सरकारी कामकाज आदि सभी इंटरनेट आधारित होने के कारण असुरक्षा के घेरे में हैं। इससे देशों के संचार व्यवस्था को ध्वस्त करना, सूचनाओं के आदान प्रदान को प्रभावित करना, सैन्य सुरक्षा की गुप्त सूचनाओं तक पहुंच बनाना, किसी भी देश के परमाणु हथियारों को एक्टिवेट कर विश्व को अनचाहे युद्ध में धकेलना आसान हो गया है। भूमि, समुद्र, वायु और अंतरिक्ष के साथ साइबर स्पेस युद्ध का पांचवा संभावित क्षेत्र बन गया है। इस युद्ध के नवीनतम पहलुओं में संपर्क रहित युद्ध प्रमुख है। इसमें सीमा पार से कोई भौतिक या काइनेटिक कार्रवाई नहीं की जाती। आतंकवादी समूहों द्वारा इंटरनेट का प्रयोग धन एकत्रित करने, आतंकी गतिविधियों के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने तथा युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए करते हैं। इसलिए जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों की चुनौतियों से निजात पाई जाए और साइबर सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाए जाएं। आइए अब जानते हैं कि साइबर सुरक्षा क्या है और भारत को इसकी जरूरत क्यों है। साइबर सुरक्षा साइबर स्पेस में डेटा नेटवर्क तथा साइबर उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था है। इसमें सूचना के चोरी होने, दुरुपयोग होने या उस पर हमले से रोकने के लिए उठाए जाने वाले सुरक्षात्मक कदम शामिल हैं। साइबर सुरक्षा एक जटिल विषय है जिसमें विभिन्न स्थानों पर प्रमुख उपकरणों द्वारा बहुआयामी, बहुस्तरीय प्रयासों एवं प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यह संपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है और भारत भी इससे परे नहीं है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ने सरकारी, वैज्ञानिक, शैक्षिक और व्यावसायिक बुनियादी ढांचे में क्रांति ला दी है। इसके कारण भारत में आईटी अवसंरचना, ऊर्जा, बिजली ग्रिड, दूरसंचार, आपातकालीन संचार प्रणाली, वित्तीय प्रणाली, रक्षा, अंतरिक्ष तथा परिवहन आदि सभी सेवाएं इंटरनेट आधारित हो चुकी हैं। ऐसे में नेटवर्क और वायरलेस कनेक्टिविटी के विस्तार से भौतिक व तार्किक सीमाओं का निर्धारण करना मुश्किल हुआ है। साथ ही भारत आज विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की पहचान बन चुका है। विश्व में 50% से अधिक हिस्सेदारी के साथ भारत डिजिटल और ज्ञान आधारित आउटसोर्सिंग मार्केट में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। विश्व समुदाय में भी भारतीय प्रतिभाओं के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारतीयों की उद्यमशीलता के कारण भारत आज प्रौद्योगिकी शुरू करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा केंद्र बन गया है। सरकार के नवीन प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम जैसे माई गवर्नमेंट, प्रगति, उमंग, जेम, जीएसटी, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल लॉकर, ऑनलाइन सर्विस फॉर वोटर्स आदि भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आधारित हैं तथा ये सभी योजनाएं भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए जरूरी हैं। वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि साइबर स्पेस के विकास में अमेरिका का एकाधिकार रहा है और गूगल जैसे सर्च इंजन का विकल्प भारत के पास न होने के कारण अमेरिका इस स्थिति में है कि वह अपने वर्चस्व को चुनौती देने वाले सभी प्रयासों को रोक सकता है। इसके साथ ही चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी तथा पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र की मंशा भी छिपी हुई नहीं है। हाल ही के वर्षों में भारत में साइबर हमलों में विस्तार हुआ है। जैसे साल 2016 में लगभग 32 लाख लोगों के एटीएम डेटा चोरी हो जाने के कारण 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ तथा दिल्ली सहित देश के कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के साइट्स को हैक कर आपत्तिजनक संदेश प्रसारित किए गए।
हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2017 के अनुसार भारत 165 देशों में से 23वें स्थान पर रहा, जो साइबर सुरक्षा के दृष्टि से खराब स्थिति का सूचक है। ऐसे में खराब सुरक्षा तंत्र के कारण वित्तीय व्यवस्था, परमाणु संयंत्रों, हवाई सेवाओं, बिजली आपूर्ति, संचार तथा अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण तंत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर देश की संप्रभुता को चुनौती देना आसान हो गया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि देश को एक मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र की जरूरत है, ताकि ऐसे किसी संभावित खतरे से निपटा जा सके। अब बताते हैं आपको साइबर सुरक्षा की दिशा में भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों का फोकस साइबर सुरक्षा के खतरों का अनुमान लगाना, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा, प्रासंगिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी को अपनाना, कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सूचना सुरक्षा जागरूकता तथा प्रशिक्षण व अनुसंधान पर आधारित है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया है। इसके साथ ही इस अधिनियम द्वारा साइबर स्पेस के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तथा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। इसी दिशा में सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी किया गया है, जिसके तहत अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र यानी NCIIPC का गठन किया गया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी सर्ट इन की स्थापना की गई, जो साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है। विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता यानी ISEA परियोजना भी प्रारंभ की है। सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिए भारत अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के साथ समन्वय भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई है। साथ ही हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत नामक प्रोग्राम भी चलाया गया है, जिसके तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं बैंकों से संबंधित 1200 चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को साइबर सुरक्षा की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सब कोशिशों के अलावा साइबर सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सांगठनिक स्तर पर भी कुछ कदम उठाने की जरूरत है, जैसे पाठ्यक्रम में साइबर कानून संबंधी विषय वस्तु को शामिल करना, ताकि बच्चों में भविष्य के इस खतरे के प्रति सजगता रहे, लोगों को साइबर सुरक्षा के लिए जागरूक करना, जिससे वे अपने निजी अधिकारों को जाने और दावे कर सकें, लोगों द्वारा अच्छे एंटीवायरस, एंटी मालवेयर और अच्छे सॉफ्टवेयर के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा समय समय पर इन्हें अपडेट करते रहना, जिससे संभावित खतरों से बचा जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अपने पर्सनल पासवर्ड का प्रयोग न करना तथा किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए अपने पर्सनल लैपटॉप या मोबाइल का ही प्रयोग करना। इसके साथ ही अपने कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की सेवाओं को रिस्टोर करने के लिए संगठनात्मक कौशल का विकास करने की भी जरूरत है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े डिजास्टर प्लान को मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि इसके द्वारा व्यक्तिगत यूजर सिस्टम और सर्वर का बैकअप रिस्टोर किया जा सके तथा सोशल मीडिया पर संदिग्ध एवं दोषपूर्ण गतिविधियों पर नजर रखा जा सके, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को नाकाम भी किया जा सके। सरकार को संभावित खतरों को समझते हुए एथिकल हैकर्स व क्रैकर्स का एक तंत्र भी तैयार करना चाहिए, जिससे समय पर त्वरित कार्रवाई हो सके। इन सब के बावजूद जरूरी है कि हम अपना सर्च इंजन विकसित करने का प्रयास करें, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो और संबंधित सरकारी नीतियों को तुरंत सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया जाना चाहिए। इस तरह उपर्युक्त उपायों से साइबर सुरक्षा की एक मजबूत रणनीति तैयार की जा सकती है तथा भविष्य के संभावित खतरों से बचा जा सकता है। इन त्वरित सुनियोजित कार्य योजना के प्रयोग के द्वारा भारत विकासशील से विकसित देश का सफर आसानी से तय कर सकता है। आइए नोट करते हैं अब आज का सवाल। सवाल है, भारत में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों पर विचार करते हुए भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें।